डॉक्टर संगीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, जमनीलाल महाविद्यालय, हाजीपुर, वैशाली। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बीए पार्ट वन पेपर टू के बारे में चर्चा करूंगी। आज का विषय है हिंदी साहित्य के मध्य और नवीन युग के संधि स्थल। तो आइए जानेंगे हिंदी साहित्य के मध्य और नवीन युग के संधि स्थल में भारतेंदु हरिश्चंद्र का अवतरण भारतेंदु युग के नाम से अभिहित किया गया है। 1850 में ब्रिटिश शासन भारत पर अपनी जड़ें जमा चुका था। भारत में राजनीतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक, आर्थिक एवं साहित्यिक चेतना का प्रादुर्भाव हुआ। भारतीय जनजीवन के क्षेत्र में एक विशिष्ट प्रकार की स्वतंत्र विचारधारा ने जन्म लिया। इस कारण हिंदी साहित्य की विषय वस्तु तथा वैचारिक क्षेत्र में विस्तृत परिवर्तन हुआ है। इस युग का साहित्य मध्य और नवीन युग की संधि का संकेत करता है। काव्य के क्षेत्र में इस युग के कवि का नवीनता के प्रति एक आकर्षण है। भारतेंदु जी का जन्म 1857 की क्रांति से 7 वर्ष पूर्व हुआ था। अतएव उनकी प्रारंभिक रचनाओं में राजभक्ति के दर्शन होते हैं। सच्चे अर्थ में भारतेंदु युग के कवि देशभक्त हैं। पुरातन और नूतन, यही सुंदर समीकरण भारतेंदु युग की कलात्मक विशिष्टता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतेंदु जिस समय हिंदी संसार में प्रादुर्भूत हुए वह साहित्यिक सृजना का युग नहीं अपितु राजनीतिक चेतना का युग था। हिंदी साहित्य में राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव सम्यक रूप से प्रस्फुटित हुआ। राजनीतिक के प्रणेता 3 साहित्यकार थे। सबसे प्रथम सत्यमूर्ति नर्मदा जो गुजराती थे, दूसरा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो बांग्ला थे, तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी। यह वह युग था जब विदेशी शासन भारत की राष्ट्रीय भावना का मर्दन एवं शोषण का प्रयास करने में लगे थे। कविता अथवा साहित्य में समाज की मनोवृत्ति का चित्र अपेक्षित था। उनके जैसा जागरूक साहित्यकार व्यथित होकर यह कह उठा, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। अतः स्वाभाविक था कि साहित्य और काव्य का शाश्वत प्रवाह तो चलता रहा, परंतु उसकी विषय वस्तु परिवर्तित हो गई। अतः समय के अनुसार उस साहित्य में मानसल सौंदर्य की अपेक्षा जनजीवन की दयनीय परिस्थिति का चित्रण होना प्रारंभ हुआ। प्रोफेसर कामेश्वर शर्मा के शब्दों में वो कहते हैं कि यह अवश्य नहीं, अनिवार्य भी हो गया था कि हमारे कवि उर्वशी के चमचमाते पीताम्बर की ओर नहीं, जनता के फटे अंगोछे की ओर भी ताके, जिस पर न जाने कितने अश्रु बूंदे के तरल दाग पड़े थे। कहने का तात्पर्य यह है कि समय की परिवर्तनशीलता संक्रमण काल के असमंजस पूर्ण वातावरण के बीच एक नई चेतना जागृत हो रही थी। उस संक्रमण काल के मध्य रीति काल का अवशेष बच रहा था, परंतु आर्य समाज और ब्रह्म समाज द्वारा चलाए गए आंदोलन परंपरागत मान्यताओं में परिष्कार लाने का प्रयास कर रहे थे, जो राधा कृष्ण की श्रृंगारिक भावनाओं को छोड़ना नहीं चाहते थे। तत्कालीन युग की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, सबसे पहला है देशभक्ति। देशभक्ति में भारतेंदु का प्रादुर्भाव काल राजनीतिक चेतना का युग था। भारतीय जनजीवन के क्षेत्र में एक नई चेतना का आह्वान हो रहा था। भारतेंदु जहां एक और विदेशी शासन से किसी कदर संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने एक तरफ विदेशी शासन की प्रशंसा की तो दूसरी तरफ उस शासन से त्रस्त देश की दयनीय स्थिति का चित्रण भी किया है और कहा है,
भीतर भीतर सबरस चूसे, बाहर से तन मन धन मसे। जाहिर बातन में अति तेज क्यों सखी, साजन नहीं अंग्रेज। अतः अपनी कविता द्वारा विदेशी वस्तुओं के व्यवहार पर उन्होंने दुख प्रकट किया है। दूसरा है प्राचीनता और नवीनता की संतुलन। अब ये क्या है, इस काल में देश प्रेम एवं समाज सुधार आदि विषयों को लेकर नया प्रतिमान स्थापित किया गया। भक्तिकालीन पदों की रचना हुई, कृष्ण लीला का भी गान किया गया और नायिका के नख सिख का वर्णन भी किया गया। तीसरा चलती हूँ लोक जीवन का चित्रण। ये लोक जीवन का चित्रण इस युग की कविता की एक प्रमुख विशेषता है। समाज सुधार की भावना सामाजिक बुराइयों, धार्मिक आडंबरों, लूट खसोट, देश की दयनीय स्थिति रही है। जनजीवन की प्रेरणा का चित्रण इस युग के साहित्य में मिलता है। मैं चौथा चलती हूँ छंद की ओर। छंद में जो है रीतिकालीन काव्य रूपों को इस युग में स्वीकार किया गया है। प्रचलित छंद सवैया, रोला, कवित्त, छप्पे आदि का प्रयोग इस युग में हुआ है। इसके बाद मैं चलती हूँ प्रकृति चित्रण की ओर। ये प्राकृतिक चित्रण इस युग में प्रकृति का वर्णन बहुत ही कम मिलता है। कारण यह है कि किसी साहित्यिक मूल्य के वृत्त में बंधा साहित्यकार अपनी बुराइयों को उत्साहित नहीं कर सकता। इस प्रकार एक विशेष बात जो इस युग में दिखाई पड़ती है वह है तत्कालीन कवि और साहित्यकार, देश प्रेमी, पत्रकार और प्रचारक वो पहले थे, कवि और साहित्यकार बाद में बने। सबसे अंतिम है इति वृत्तात्मकता। इति वृत्तात्मकता का अर्थ जानेंगे, इसका अर्थ क्या है। तो इति वृत्तात्मकता का अर्थ है वस्तु वर्णन या आख्यान की प्रधानता। इस युग का साहित्यकार चाहे कवि हो या निबंधकार, नाटककार हो या हास्य व्यंग लेखक, उपन्यासकार हो या कहानीकार, सभी ने सुधारात्मक प्रवृत्ति को विशेष महत्व दिया है। इस कारण इस युग के साहित्य में कवि की आत्मा प्रबल रूप से उन्मुख नहीं हो सकी, जिस कारण इति वृत्तात्मक चरम सीमा को प्राप्त हो गए। इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप द्वैधी युग में छायावाद का जन्म हुआ। अतः स्पष्ट है कि इस युग के साहित्य में कला की व्यंजना का अभाव है, जो भारतेंदु कालीन काव्य और साहित्य का मूल्यांकन उनकी जीवन संबंधी उपयोगिताओं को दृष्टि में रखकर ही हो सकता है। धन्यवाद।